कानपुर देहात पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। एसपी मूर्ति के ऑपरेशन जागते रहो अभियान का दिखा असर। एक ही रात में दो अलग अलग जगहों में पुलिस से हुई मुठभेड़। तीन लुटेरों अपराधियों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। देखिए ये रिपोर्ट। आज रात्रि चेकिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा जब गुरदही बुजुर्ग के पास संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वाहनों की तलाश के लिए निकले हुए थे, तभी यही गुरदही बुजुर्ग की पुलिया पर तीन व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन्होंने जैसे ही पुलिस की गाड़ी दी तो मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया। इस क्रम में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर भाग गया, दो व्यक्ति कच्ची गली की ओर भागने लगे। पुलिस ने उनको जब पीछा किया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किए गए। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिससे दो व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। और जब इनसे पूछताछ पड़ताल की गई तो यह बबलू जो बिलहा रसूलाबाद का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति संदीप रमऊ थाना राजपुर का रहने वाला है। भागे हुए व्यक्ति की पहचान भूरा भिंड के रूप में की गई। जब इनसे पुनः पूछताछ की गई तो इनके द्वारा यह बताया गया कि मेरे द्वारा सिलौरा मोड़ सिकंदरा में कुछ दिनों पूर्व एक मोटरसाइकिल के लूट की गई थी, जिसके संदर्भ में थाना सिकंदरा में 101/23 धारा 394 ITC का अभियोग पंजीकृत था। उन्हें उसी तरह का अपराध करने के लिए हम लोग यहाँ पर हाथ लगाए बैठे हुए थे। इनके पास से जब जामा तलाशी ली गई तो लगभग 21,000 रुपये बरामद हुए हैं। घायलों को CSC सिकंदरा प्राथमिक उपचार हेतु भेजा गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।